हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरी सभी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपने आज से पहले कभी यूज़ नहीं की होंगी। फ्रेंड्स, इन टिप्स को यूज़ करके आप अपनी स्किन को यंगर लुकिंग बना सकती हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। ये मेरा दावा है, ये टिप्स आपने कभी यूज़ नहीं की होंगी। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरनल ब्यूटी की। फेशियल से हम सब जानते हैं कि हम टेम्परेरी ग्लो पा सकते हैं, पर परमानेंट ग्लो पाने के लिए हमें चाहिए इंटरनल पीस और ब्यूटी। हमें अपने आप को प्यार करना सीखना होगा कि हम खुद को प्यार करेंगे तो हमारा फेस अपने आप से ग्लो करेगा। हम सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड आई पॉइंट की। फ्रेंड्स, हमारी आईज़ के बीच में जो एक पॉइंट होता है, आपको उसको प्रेस करना है 30 से 40 सेकेंड्स तक, और अपनी आईज़ को क्लोज करके उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। 40 सेकेंड्स के बाद आपको फिंगर को प्रेस करते हुए ही उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, जैसे कि एरो बनाया हुआ है। इसके बाद आपको इंस्टेंट रिलीफ फील होगा और आपका फेस आपको फील होगा जैसे कि ग्लो कर रहा है। इस पॉइंट को प्रेस करने का आपको रूटीन बनाना है, जो कि आपको इंटरनल पीस देगा। ओम साउंड की चांटिंग। ओम साउंड से हमारी जो स्किन है वो वाइब्रेट होती है और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है। आप सुबह या दिन में किसी भी टाइम 10 मिनट्स इस ओम चांटिंग की रूटीन बनाइए, जिससे कि आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इन तीन स्टेप्स को अपनी रूटीन लाइफ में लेके आइए और अपने फेस को आप रॉ मिल्क के साथ क्लीन कर सकते हैं, गुलाब जल के साथ इसको टोन करिए और फिर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए, जिससे कि आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि आपकी स्किन के जो पोर हैं वो क्लोज होने लगे हैं और आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगी है। ये बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव और इंस्टेंट तरीके हैं। रोज़ पेटल्स, जो कि हम सुनते आए हैं शुरू से, जो पुरानी क्वींस हैं वो भी रोज़ पेटल्स को यूज़ करती हैं। आप रोज़ पेटल्स को मैश करके इसका पेस्ट बनाकर 10 या 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें और उसके बाद इसको वॉश कर दें। ये इंस्टेंट ग्लो देगा। मैं यहाँ किसी भी केमिकल वाले फेस पैक की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे आपको मैं बात करूँगी हंग कर्ड। आपको कर्ड का जो एक्स्ट्रा पानी है वो किसी भी सीव में डालकर उस पानी को निकाल देना है और उसके बाद उसमें 2 या 3 लेमन ड्रॉप्स और 2 या 3 ड्रॉप्स जो विटामिन ई कैप्सूल है वो डालकर अपने फेस, नेक और आर्म्स पे लगाना है। इससे आपके फेस की रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगी और आपका फेस ग्लो करने लगेगा। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लाइफ चेंजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगी।